बड़े पर्दे पर आई है एक और फिल्म। फिल्म का नाम है यमला पगला दीवाना फिर से। ये कहानी है एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की जो फार्मा जाइंट से अपने एज ओल्ड फॉर्मूला को छुपाना चाहता है, जिसका नाम है वज्रकवच, जो पिंपल से लेकर नपुंसकता तक के सारे इलाज कर सकता है। लेकिन वो अपना मैजिक सीक्रेट कब तक छुपा पाएगा, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से। कहानी है वैद्य पुराण यानी सनी देओल और उसके भाई काला यानी बॉबी देओल की। साथ में है एक किराएदार जयंत परमार, जिसका किरदार निभा रहे हैं धर्मेंद्र। धर्मेंद्र का किरदार वैसा ही फ्लैम्बॉयंट है जैसा पिछली फिल्मों में रहा है। बॉबी देओल बने हैं एक डेस्परेट बैचलर और सनी देओल इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, जो कि कॉमेडी भी ला रहे हैं और थोड़ा बहुत एक्शन भी। इन तीनों का ट्रायो हंसाने की खूब कोशिश करता है लेकिन इतनी हंसी नहीं आती। धर्मेंद्र हैं जो पूरी टीम को लीड कर रहे हैं और उनका चार्म आज भी वैसा ही है। वो हंसाने पर आते हैं तो मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन सनी और बॉबी के लिए कॉमेडी थोड़ा सा मुश्किल जॉनर है। ये फिल्म आपके 100 में से 60 रुपए वसूल करा सकती है, स्पेशली तब जब आप तीनों देओल्स के जबरदस्त फैन हो। रनिंग इन द थिएटर्स नियर यू, यमला पगला दीवाना फिर से।